भारत की राजनीति में 65 साल से जायद अरसे से मजलिस अपना सियासी सफर तय कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत की राजनीति में अपना एक मुनफरद मुकाम पैदा किया। मजलिस का पैगाम यही है, मजलिस का नस्बुलैन यही है, मजलिस की सोच और फिक्र यही है कि भारत की राजनीति में अगर कमजोरों को, अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं तो आपको मुत्तहिद होकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। और भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यही है कि चाहे कोई कमजोर हो, मजलूम हो, गरीब हो या अल्पसंख्यक समाज का हो या दलित हो, जब तक आपकी एक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आप अपने वोटों से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, कोई सियासी पार्टी आपसे इंसाफ नहीं करेगी। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो आपको खुद सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा।